हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 13 जुलाई के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं डेली डेली, और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। इसको जाके ज्वाइन कर लो आप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट भी करो क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और जल्दी मैं मिशन स्टार्ट कर रहा हूँ आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के लिए, जिसमें अपन 20-20 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और क्लास एक बार पूरी देखो आप लोग, आपको मजा आएगा। क्लास के अंदर करंट अफेयर याद हो रहा है आपको, अगर आप डेली डेली क्लास में जुड़ोगे ना तो बहुत सारा करंट अफेयर याद हो जाएगा। जब लास्ट में आप वापस रिविजन करोगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ ही आपको याद है, ठीक है। और कल अपन वीकली करंट अफेयर करेंगे, और मैंने जीए की एक स्ट्रेटजी अपलोड की है, कम्प्लीट स्ट्रेटजी, कि कैसे आपको जीए प्रिपेयर करना है, क्या पैटर्न होना चाहिए जीए याद रखने का, याद नहीं रहता, तो वो जाके एक बार जरूर जरूर देख लेना यार, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एज द आईसीसी मेल प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून 2024। तो आईसीसी मेल प्लेयर किसको दिया है? हर बार आईसीसी क्या करता है, हर मंथ वाइज अवार्ड देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस बार हर बार मेल और फीमेल को भी देते हैं, ठीक है। तो मेल के लिए किसको दिया है जून मंथ के लिए? वो दिया है जस्सी को, बुमराह जी को, ठीक है। वो फीमेल के लिए दिया है स्मृति मंधाना जी, ठीक है। अब बात करें गौतम गंभीर न्यूज में क्यों थे, क्योंकि गौतम गंभीर को अभी इंडिया की मेंस जो सीनियर टीम है उसके हेड कोच बनाया है, और ये कब तक बने रहेंगे ये इम्पोर्टेंट है। ये बनेंगे 2027, 2027 तक, ठीक है। अब बात करें कपिल देव जी को अभी क्या अपॉइंट किया है, उनको अभी प्रेसिडेंट बनाया है, प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के पीजीटीआई के प्रेसिडेंट है कपिल देव जी। विराट कोहली जी क्या है? किंग कोहली, किंग कोहली का नाम तो पता ही आपको। तो अभी जब फाइनल हुआ था आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप का, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराया था। इसमें जो मैन ऑफ द मैच थे वो विराट कोहली थे, फाइनल में 76 रन की बहुत ही क्रूशियल नॉक खेली थी इन्होंने। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे वो थे जसप्रीत बुमराह, बुमराह ही थे मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, बहुत सारी चीजें रिलेट कर दी मैंने अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया हैज रिसेंटली लेड द ग्लोबल मेरीटाइम डिस्कोर्स एट द इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल हेल्ड इन लंदन यूके, विच नंबर सेशन ऑफ आईएमओ इट वाज। तो देखो, अभी इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का कौन से नंबर का सेशन हुआ है, इसमें इंडिया ने ग्लोबल मेरीटाइम डिस्कोर्स को लीड किया है, तो वो सेशन है 132, ठीक है। अब इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी लंदन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर भी लंदन है, कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर भी लंदन है। तो हेडक्वार्टर मैंने 2-3-4 बार वीडियो करवा रखी है इसी चैनल के ऊपर, आप सर्च करोगे हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर बाई एचपी सक्सेस क्लासेस, तो आपको मिलेगी। वो एक बार कंप्लीट करके रख दो, फिर जब भी एग्जाम आए उससे पहले थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहे, ठीक है। तो आईएमओ का कौन सा सेशन तो हुआ था इस बार, 132वां सेशन, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो अब देखें ये ऑप्शन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 72nd क्या कर रहे हैं, 72nd है ए आई प्रिपेयरनेस इंडेक्स, ए आई प्रिपेयरनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 72nd, ठीक है। ये इंडेक्स दिया किसने था ये भी पूछ लेते हैं, ये इंडेक्स दिया है आईएमएफ ने, ठीक है। इंडिया की रैंक 72nd थी, इंडिया का स्कोर 0.49 था, और इंडिया आता है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कैटेगरी, ईएम कैटेगरी में, इसमें 3 कैटेगरी होती है, ठीक है। और अब बात करें नंबर 1 पे है इसमें सिंगापुर, नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 3 पे यूएस। अब डेनमार्क और भी न्यूज में था, क्योंकि डेनमार्क पहली कंट्री बनी है जो टैक्स लेगा, टैक्स ऑन लाइव स्टॉक CO2 इमिशन फ्रॉम 2030। तो इस टाइप से आपको करंट अफेयर को रिलेट करना है, जितना आप करंट अफेयर को रिलेट करते जाओगे आप उतने ही करंट अफेयर में प्रो होते जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें अपन, अभी कल ही अपन डेटा आया तो डेटा को डेटा से रिलेट करेंगे, ठीक है। कल मतलब अभी अपन ने पढ़ा था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेंक्शन किए 300 करोड़ थ्रू टेक्नोलॉजी
डेवलपमेंट फंड के थ्रू, TDF के थ्रू 300 करोड़ सेंक्शन किए हैं ताकि जो भी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव कर पाए प्लस आत्मनिर्भर बन पाए डिफेंस के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना TDF के थ्रू कितने किए हैं, 300 करोड़ रिलीज किए हैं। प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक डेटा रिलीज किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन हुआ है, डोमेस्टिक डिफेंस ये एग्जाम में जरूर जरूर आएगा, डिफेंस प्रोडक्शन हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में, वो कितना हुआ है, वो हुआ है 1.27 लाख करोड़ का। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना हुआ था, 1.08 लाख करोड़। तो ये डेटा भी इम्पोर्टेंट है, डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन कितना हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। द 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड ए 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल एंड अपॉइंटेड हुम एज द कन्वेनर ऑफ द काउंसिल। तो 16th फाइनेंस कमीशन के जो हेड है अरविंद पंगारिया जी, उन्होंने 5 मेंबर की कमेटी बनाई है, उसमें किसको कन्वेनर बनाया है कमेटी के अंदर, तो वो बनाया है पूनम गुप्ता जी, पूनम गुप्ता जी। ठीक है, अब पूनम गुप्ता जी के हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के जो डायरेक्टर जनरल हैं पूनम गुप्ता, उनको कन्वेनर बनाया है एडवाइजरी काउंसिल का। ठीक है, उसमें 4 मेंबर अलग और कौन कौन है, डीके श्रीवास्तव जी है, नीलकंठ मिश्रा जी है, रंजुल भंडारी है, राहुल बाजोरिया जी है। ठीक है, अब एक बार बस नाम घुमा लेना, बस मेन तो हेड का नाम याद रखना। बात करें NCAER न्यूज में क्यों थे, जिसके ये डायरेक्टर जनरल है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च, ये न्यूज में इसलिए था थे ये क्योंकि इन्होंने DPIIT के साथ पार्टनरशिप की है फॉर द फ्रेमवर्क ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया। लॉजिस्टिक कॉस्ट के फ्रेमवर्क के लिए इन्होंने DPIIT के साथ पार्टनरशिप, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये मैंने बता दिया आपको। अब बात करें अपन एक्स्ट्रा, अब विश्वनाथ गोल्डर जी को भी एक कमेटी का हेड बनाया है, वो कमेटी किसने बनाई, चलो रिलेट कर लेते हैं। विश्वनाथ गोल्डर जी को अभी अभी एक मौसमी मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई थी टू रिवाइज द बेस ईयर ऑफ GDP डेटा, टू रिवाइज द बेस ईयर ऑफ GDP डेटा। यार कुछ लोगों को इश्यू है कि आवाज कम आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है, एक बार बताना वॉइस का क्या इश्यू है, सारे बताना। ठीक है, GDP डेटा के बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए मोस्पी मिनिस्ट्री ने कमिटी बनाई है, उसके हेड है विश्वनाथ गोल्डर जी। ठीक है, मोस्पी मिनिस्ट्री ने बहुत सारी चीजें लॉन्च की, ई संख्या की पोर्टल भी इन्हीं का है जो लॉन्च किया था 29 जून को नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे पे, उसकी थीम थी यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कल ही अपन ने पढ़ा था फिलीपींस पोस्ट करने वाला है लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड को पोस्ट कौन करेगा, फिलीपींस करेगा। लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट किया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा COP27 जो जो हुई थी दुबई के अंदर, वहीं लॉस एंड डैमेज क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, अब रूपम रॉय जी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन, बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कौन है, रूपम रॉय जी। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। सौम्या स्वामीनाथन हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर एट विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए सौम्या स्वामीनाथन को प्रिंसिपल एडवाइजर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का बनाया है, तो मिनिस्ट्री का बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। ठीक है, सॉरी, इनको प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया ताकि नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए वर्क कर सके। ठीक है, अभी अब बात आई है हेल्थ की, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिवाइस एक लॉन्च किया है, मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितने भी मेडिकल डिवाइस है उनके बारे में इंफॉर्मेशन हो उसके लिए मेडिकल डिवाइस MDIS लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात करें कल ही अपन ने पढ़ा था ग्रैंड प्री ऑफ स्पेन, ग्रैंड प्री ऑफ स्पेन हुआ है जो रेसलर के लिए हुआ है स्पेन। ठीक है, उसमें 50 kg कैटेगरी में विनेश फोगाट ने गोल्ड जीता है।
फोगाट जी ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली बीन नेम्ड एज द प्रिंसिपल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन टीम एट द 2024 पेरिस ओलंपिक। तो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है उसमें प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन बना है इंडियन टीम का? तो बने अडानी ग्रुप। ठीक है, और अडानी ग्रुप ने ही एक कैंपेन लॉन्च किया है विद द हैशटैग देश का गीत एट ओलंपिक। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे इंडियन टीम के लिए शेफ डे मिशन किसको लॉन्च किया है, किसको बनाया है शेफ डे मिशन? वो बनाया है गगन नारंग जी, गगन नारंग शेफ डे मिशन। ठीक है, हम बात करें अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने, डिफेंस एंड एरोस्पेस इन्होंने फ्रांस के थेल्स ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके ये इंडिया में 70 mm रॉकेट्स बनाने जा रहे हैं। ठीक है, हम बात करें बजाज ऑटो न्यूज में क्यों है। बजाज ऑटो इसलिए न्यूज में है क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड की पहली सीएनजी पावर्ड बाइक लॉन्च किया, वर्ल्ड की पहली कंप्रेस नेचुरल गैस पावर्ड बाइक लॉन्च की, सीएनजी पावर्ड बाइक लॉन्च की है। ठीक है, अब टाटा न्यूज में है क्योंकि टाटा की एक है टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड, सॉरी इंडिया का इंडिया फर्स्ट टूरिज्म इंडेक्स फंड, टूरिज्म इंडेक्स फंड किसने लॉन्च किया है? टाटा एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बहुत सारी चीजें अपन रिलेट कर ली। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऑन विच डे द यूनाइटेड नेशन फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कमेमोरेशन ऑफ द 1995 जिनोसाइड इन श्री श्रेब्रेनिका वाज ऑब्जर्व। तो इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कमेमोरेशन ऑफ 1995 जो जिनोसाइड हुआ था श्रेब्रेनिका में, तो उसके लिए एक डे मनाया जाता है उसकी याद में। तो पहली बार मना रहा है इसीलिए बन पड़ रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, वो 11 जुलाई को मनाया जाएगा हर साल। ठीक है, चलो तो रिलेट कर लेते हैं अपन। नेशनल नेशनल डॉक्टर्स डे, डॉक्टर डे, जीएसटी डे एंड सीए डे, ये तीनों मनाते हैं अपन 1 जुलाई। ठीक है, 10 जुलाई को मनाते हैं नेशनल फिश फार्मर डे, नेशनल फिश फार्मर डे। 30 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म एंड इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे, ये दोनों दिन सॉरी सुबह सुबह स्निजिंग होती है दोस्तों, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को। ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इस साल 2024 की थीम है टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। थीम भी इंपॉर्टेंट होती है, टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, ये इसकी थीम है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना जीएसटी डे की इस बार कौन सी थीम। ठीक है, और अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू आया है उसके अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट सिटी है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसमें इंडिया का दिल्ली सेकंड नंबर पे है जिसकी पॉपुलेशन है 33.8 मिलियन, और मुंबई 9वें नंबर पे है विद अ पॉपुलेशन ऑफ 21.7 मिलियन। ठीक है, तो ध्यान रखना डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें अपन इसके अलावा और भी कुछ हुआ है तो वो देखें अपन। अभी मेन सिंगल टाइटल जीता है बैडमिंटन के अंदर, मेन सिंगल टाइटल एंड सेंट डेंस रीयूनियन कप, सेंट जो फ्रांस में है सेंट डेंस रीयूनियन ओपन हुआ है 2024 का, वो किसने जीता है? मेन सिंगल टाइटल जीता है थारून मानेपल्ली, मानेपल्ली, और फीमेल वाला जीता है तस्नीम मिर ने, तस्नीम मिर पाकिस्तान की क्रिकेटर भी है तस्नीम मिर। तो आपको ये क्वेश्चन इसलिए कराया है कि एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ये दोनों कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड। ठीक है,
और भी एक और चीज है जो अपन देख लेते हैं कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटीज ने डिसेबल पर्सन को एम्पावर करने के लिए इनेबल मी एक्सेस के साथ अमीव किया है, इनेबल मी एक्सेस के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, आप कितनी चीजें कोशिश कर लो दोस्तों, कभी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो हो ही जाता है, बट फिर भी हार नहीं माननी। कितना ही मैं ट्राई करूँ कि क्लास में अच्छे से रिकॉर्ड करूँ, कभी स्नीजिंग आ जाती है, तो जब चीजें आपके हाथ में नहीं होती तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप जो कर सकते हो आप वो आप करो। अपन क्या कर सकते हैं? हार्डवर्क। तो हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हार्डवर्क करते रहो। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अनाउंस द न्यू वर्ल्ड सोइल हेल्थ इंडेक्स टू एस्टेब्लिश ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर सोइल क्वालिटी असेसमेंट। तो सोइल क्वालिटी असेसमेंट के लिए नया वर्ल्ड सोइल हेल्थ इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है? तो वो दिया यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को ने दिया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है, तो वर्ल्ड एटलस ऑफ डिजर्टिफिकेशन 75% ऑफ सोइल हैव ऑलरेडी डिग्रेडेड अफेक्टिंग 3.2 बिलियन पीपल। ठीक है, और जो वर्ल्ड सोइल हेल्थ इंडेक्स है वो एक कॉन्फ्रेंस हुई है सोइल के ऊपर, वो भी अगाडिर मोरक्को के अंदर, वहीं पे यूनेस्को ने बोला है कि अब नया वर्ल्ड सोइल हेल्थ इंडेक्स दिया जाएगा। ठीक है, ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट हो सोइल क्वालिटी असेसमेंट के लिए। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अब बात करें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है केन्या नैरोबी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ऑस्ट्रिया वियना, इसका हेडक्वार्टर है वियना। ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020-24। इसके अकॉर्डिंग अभी वर्ल्ड में कितने ड्रग यूजर हैं? वो है 292 मिलियन ड्रग यूजर। ठीक है, IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? IUCN का हेडक्वार्टर ग्लेन स्विट्जरलैंड। ठीक है, अभी एक बुक आई थी, बुक भी देख लेते हैं, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ, मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ जी ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पब्लिश द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर अक्रॉस ऑल लोकल बॉडीज। तो PBR, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पब्लिश करने वाला पहला स्टेट बना है केरला। ठीक है, केरला के अंदर थाजा खरा जो अलापुआ के अंदर है वो पहली ग्राम पंचायत बन गई है जिसने पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर अपडेट किया है। ठीक है, ये भी नाम को याद रखना है। ठीक है, अब अपन ऑप्शन से रिलेट कर लेते हैं। असम न्यूज में क्यों था? क्योंकि असम ने अभी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, अभी महाराष्ट्र भी न्यूज में था क्योंकि महाराष्ट्र ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना लॉन्च की है, माझी लड़की बहन योजना, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। ठीक है, महाराष्ट्र में ही जो पेंच टाइगर रिजर्व है जो शेयर्ड है महाराष्ट्र और MP के द्वारा, तो पेंच टाइगर रिजर्व ने के अंदर अभी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम लॉन्च की है फॉर अर्ली फायर डिटेक्ट हो गया है। तो एडवांस AI सिस्टम लॉन्च किया है, उसका नाम है पांटेरा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, इन जुलाई 2024 हु लॉन्च्ड गेंस 2024 एन इनोवेटिव स्कीम विच एम्स टू ऑफर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू शिपयार्ड। जितने भी शिपयार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए स्टार्टअप ज्यादा से ज्यादा आए इस इंडस्ट्री की तरफ, तो उसके लिए गेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया संजय सेठ जी ने। तो बस आपको जरूरी नहीं कि किसने लॉन्च किया, क्वेश्चन को पूरा याद रखो। ठीक है, तो गेंस इनिशिएटिव सेकंड एडिशन है, गेंस इनिशिएटिव की फुल फॉर्म याद रखो GRSC
एक्सिलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम इन कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है। जीआरएससी एम्स टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर शिपयार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट थ्रू इंडियन स्टार्टअप, इसीलिए गेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है और ये दूसरी बार लॉन्च किया है, ठीक है। एक अपन ने इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताई थी, डीपीएआईटी के साथ मिलके नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने मिलके ये फ्रेमवर्क रेडी कर रहे हैं फॉर लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया, फ्रेमवर्क फॉर लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया, कॉस्ट इन इंडिया, ठीक है। मैं सारे एमओयू नहीं करा रहा हूँ, जो एमओयू इंपॉर्टेंट होते हैं ना वही मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आप लोगों को। और रिसेंटली राजस्थान पहला स्टेट बन गया, फर्स्ट स्टेट बन गया इंडिया के अंदर टू अडॉप्ट एन एक्शन प्लान, अडॉप्ट एन एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी, फॉर रोड सेफ्टी इन नेक्स्ट 10 ईयर, नेक्स्ट 10 साल के लिए रोड सेफ्टी के लिए एक्शन प्लान अडॉप्ट किया राजस्थान, ठीक है। अब बात करें रजत शर्मा जी न्यूज में क्यों थे, क्योंकि रजत शर्मा जी को अभी प्रेसिडेंट बनाया है, प्रेसिडेंट बनाया है, किसका प्रेसिडेंट बनाया, इनको बनाया न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के, न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, रजत शर्मा जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट, इंडिया जनरेटेड हाउ मेनी जॉब्स बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 14 एंड फाइनेंशियल ईयर 23, तो इंडिया ने कितनी जॉब जनरेट हुई है, वो हुई है 125 मिलियन, ठीक है। और अब बात करें कि आरबीआई ने रिपोर्ट की है अंडरस्कोर दैट द कंट्री एडेड 4.7 मिलियन जॉब्स इन फाइनेंशियल ईयर 24 व्हिच इज मोर देन द डबल ऑफ व्हाट इज एडेड इन फाइनेंशियल ईयर 23, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कितनी जॉब ऐड हुई है, 4.7 मिलियन आरबीआई के डेटा पर, ठीक है। बाकी आपको ये याद रखना है एसबीआई की इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 14 और 23 के बीच में कितनी जॉब क्रिएट हुई है, 125 मिलियन, ठीक है। अब मिलियन आया तो एग्जिम बैंक ने अभी 2.5 मिलियन $2 का लोन दिया है गयाना को दिया है फॉर सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट बनाने के लिए, 2.5 मिलियन $2 का दिया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने, ये एग्जाम में डेफिनेटली आएगा कहीं ना कहीं, वर्ल्ड बैंक ने लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए कितना लोन दिया है, 1.5 बिलियन $1 का लोन दिया है फॉर लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया विद विच कंट्री हैव इम्प्लीमेंटेड द म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 8 जुलाई, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट इंडिया ने ताइवान के साथ किया है, ठीक है। ताइवान की एक फेमस कंपनी है फॉक्सकॉन, तो बस आपको ये याद रखना है इंडिया ने ताइवान के साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट किया है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ने ट्रांस यूनियन सिविल, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बार बार करवा रहा हूँ, ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर एक क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम है शहर SCHER, ठीक है। और अभी रिसेंटली अपन ने देखा था स्पाइसेस बोर्ड ने नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के साथ पार्टनरशिप किया था, एमओयू किया था फॉर द स्टडी ऑफ कार्डमम डिजीज इन सिक्किम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इन जुलाई 2024 लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया फ्लैग ऑफ द हार्ट टू ब्रेव हर्ट्स कार रैली टू कमेमोरेट द 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया विक्ट्री इन कारगिल वॉर, इंडिया की विक्ट्री के कारगिल वॉर में जो विक्ट्री हुई है, ठीक है, उसकी 25वीं एनिवर्सरी मनाई है, उसके लिए एक रैली लॉन्च की है कार रैली हेड टू ब्रेव हर्ट्स, ठीक है, जो कहाँ पे एंड होगी, कारगिल वॉर मेमोरियल पे एंड होगी, ठीक है, 15 जुलाई को।
और ये ऑर्गेनाइज करा रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा इंडियन आर्मी के साथ पार्टनरशिप करके, ठीक है। बहुत सारी जगह से ये परेड फ्लैग्ड ऑफ होगी, तनोट बॉर्डर से, तेजू बॉर्डर से, कोची पोर्ट से, अलग अलग जगह से, ठीक है। और बस यही ध्यान रखना है, जो कारगिल वॉर मेमोरियल का है, द्रास, कारगिल द्रास के अंदर है वहीं पे, ठीक है। अब चलते हैं अपन बैंकिंग अवेयरनेस पे। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट रिपोर्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स एफआई इंडेक्स इंक्रीज टू व्हाट अमाउंट इन फाइनेंशियल ईयर 24 फ्रॉम 60.1 इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स था 2023 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 60.1 था स्कोर, अभी ये 64.2। तो एफआई इंडेक्स आउट ऑफ 100 आता है ये, ठीक है। इसमें तीन पैरामीटर होते हैं, पहली बार जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आया था वो 2021 में आया, ठीक है। और ये 0 से 100 तक स्कोर होता है। इसके तीन मेन पैरामीटर होते हैं, वो होते हैं एक्सेस, यूजेस एंड क्वालिटी, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज होता है यूजेस का, तो ये भी याद रखना, एग्जाम में आ जाता है एक्सेस, यूजेस एंड क्वालिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीप में घुसेगा एग्जामिनर तो ये सारी चीजें पूछेगा, ठीक है। रिसेंटली अपने पढ़ा था ब्लू स्मार्ट ने सिडबी सिडबी के साथ पार्टनरशिप करके 140 इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च किए दिल्ली के अंदर, इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च किए दिल्ली के अंदर अंडर द मिशन 50K EV4 इको, 50K EV4 इको मिशन के अंदर 140 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किए ब्लू स्मार्ट के साथ मिलकर, ठीक है। अब एजिस फेडरल लाइफ ने लॉन्च किया है गोल्डन ईयर पेंशन प्लान, गोल्डन ईयर पेंशन प्लान लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेम द ओनली इंडियन एनबीएफसी रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर एफएटीएफ म्यूचुअल इवेल्यूएशन रिपोर्ट 2023-24। एफएटीएफ की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की म्यूचुअल इवेल्यूशन रिपोर्ट आती है, उसके लिए किस कौन सी एनबीएफसी को सेलेक्ट किया है, तो वो किया है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। जो अभी एफएटीएफ की मीटिंग हुई थी टी राजा कुमार के अंडर सिंगापुर में, वहीं पे इनको सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन्होंने एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है एलेवेट। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। एलआईसी, ओनली एलआईसी ने लॉन्च किया है जीवन समर्थ, जो भी इनके एजेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। अब बात करें पेटीएम ने भी एक हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया था, हेल्थ साथी, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक ने अभी, जो भी इनके इंटरनेट मोबाइल और मोबाइल बैंकिंग यूजर है उनके लिए एक सेफ्टी रिंग लॉन्च किया, सेफ्टी रिंग, सेफ्टी रिंग पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच बैंक हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू ए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद मिस्ट्रल एआई कवरिंग ऑल इट्स करंट एंड फ्यूचर कमर्शियल मॉडल। तो वो बीएनपी परिभाष ने मिस्ट्रल एआई के साथ पार्टनरशिप की है, बीएनबी परिभाष भी फ्रांस का बैंक है, ठीक है। और इन्होंने अपनी ब्रांच ओपन की है गिफ्ट सिटी के अंदर, ठीक है। बीएनपी परिभाष विल इंप्लीमेंट मिस्टर एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल अक्रॉस बिजनेस एरियाज लाइक कस्टमर सपोर्ट, सेल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये आज की क्लास खत्म हुई, कल की वीकली करंट अफेयर क्लास जरूर देखना, बहुत सारी चीजें रिवाइज होगी। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज दोस्तों क्लास को शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि आपको पता है क्लास के अंदर करंट अफेयर याद हो रहा है, ऐसी कोई क्लास नहीं मिलेगी जहाँ करंट अफेयर आपको याद हो, ठीक है। और ये अभी आप देखोगे ना तो इसका जो फल मिलेगा वो एग्जाम में मिलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।